रमजान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है इमशद्रीस। और मेरा नाम है बीनित्रीस। आज का मेन्यू है चिकन टिक्का वेज सैंडविच। उसके लिए जो कुछ चीजें चाहिए, अनियन हाफ कप, कैप्सिकम 1/4 कप, चीज ग्रेटेड एज रिक्वायर्ड, चिली सॉस 1/2 teaspoon, ब्लैक पेपर 1/2 teaspoon, सॉल्ट 1/2 teaspoon, शुगर 1 tablespoon, गार्लिक पेस्ट 1 tablespoon, ऑयल 2 tablespoon, विनेगर 1 tablespoon, चिली सॉस 2 tablespoon, सोया सॉस 2 tablespoon, चिकन बोनलेस 500 grams, केचप 6 tablespoon. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फ्लेम ऑन की हुई है, हम इसके ऊपर ये डालेंगे और उसके बाद हम डालेंगे ऑलिव ऑयल। इसके बाद हम डालेंगे प्याज चॉप्ड की हुई, उसके बाद हम डालेंगे गार्लिक पेस्ट, डाल दो डाल दी। और अब हम थोड़ा सा इसे कुक करेंगे, थोड़ा सा ही करेंगे, हम ज्यादा नहीं करेंगे। और उसके बाद हम डालेंगे मसाले, शुगर, चिली पाउडर, ये मसाले एक साथ डालेंगे। और उसके बाद हम ये डाल देंगे चिकन बोनलेस 500 grams, और इसके बाद हम थोड़ा सा इसे कुक करेंगे। ये बहुत इजी रेसिपी है। चेंज हो गया, अब हम 5 मिनट्स के लिए इसे कवर कर देते हैं और उतनी देर हम अपने सैंडविच को ग्रिल पैन में ग्रिल करते हैं। आप सैंडविच ग्रिलर भी ले सकते हैं और ग्रिल पैन भी ले सकते हैं। हमारा चिकन रेडी और ये स्लाइस भी ग्रिल हो गए, तो अब हम स्लाइस की में फिलिंग करते हैं। हम स्प्रेड करेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे चीज ग्रेटेड। हिमशा भी मेरी हेल्प करेगी। तो ये हमारी डली हुई है चीज और ये हम इसके ऊपर स्लाइस रख देंगे।
ये हमारा गर्मा गर्म चिकन ग्रिल सैंडविच बनके तैयार है। आई होप यू लाइक द रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह एंजॉय रमजान मुबारक।